हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आज की रेसिपी का नाम है बंगाल का रॉस भरी रेसिपी। बंगाली लोग अक्सर इसको बनाते हैं और ये बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। रस से भरा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम होता है रॉस भरी। इसको आप ना ही गुलाब जामुन बोल सकते हो, ना ही रसगुल्ला और ना ही रसमलाई। बिल्कुल अलग है और बिल्कुल यूनिक तरीके से बनता है। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये बंगाली रस भरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कच्चा नारियल चाहिए। तो कच्चा नारियल जो गोला होता है उसको ले आएं और उसको फोड़ करके उसके अंदर का ये जो फ्रूट होता है नारियल का उसको निकाल ले और फिर छोटे छोटे पीसेस यानी कि स्लाइसेस कर ले। और उसके बाद जो है इसको हमें ग्राइंड करना होता है। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको काट लिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको ग्राइंडर जार में से बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बनाने के लिए आपको ग्राइंडर जार में डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बढ़िया सा इसका पेस्ट रेडी करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पेस्ट इसका कर लिया है। अब इसको कोई भी इस तरह का छन्नी होता है, स्ट्रेनर होता है आपके घर पे, तो उसकी मदद से आपको काफ़ी अच्छे से इसको छान लेना है किसी भी बड़े बर्तन में। अगर ये बहुत ही अच्छे से नहीं पीसा है तो थोड़ा पानी डाल करके इसको काफ़ी अच्छे से और पीस ले। और फिर यहाँ पे आप चाहे तो हल्का से इस तरह से पानी डाल करके इसके अंदर का जितना भी मिल्क होता है, दूध होता है कोकोनट का, उसको हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है हमें इसी कोकोनट मिल्क में करना है। और ये जो हमने नारियल का अलग से निकाला हुआ है, ये जो हमारा साथ में निकला हुआ है साइड में नारियल का पाउडर जैसा, तो इसको भी आपको फेंकना नहीं है। इसकी अलग आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो, जो कि मैंने एक अलग अनदर वीडियो बनाया है इसके लिए। इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा इसमें भी करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें सबसे पहले स्टेप में चाशनी रेडी करना होता है। तो चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप के आसपास चीनी लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे लगभग 2.5 कप के आसपास पानी। तो 1 कप चीनी में लगभग 2.5 कप पानी डालना है और बहुत ही अच्छे से इसको बॉईल करना है। तो मेजरमेंट करके यहाँ पे मैं 2.5 कप पानी डाल दे रही हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये जो बना रही है ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। इन्होंने ही सीखा है और यही आज बना रही है, इन्हीं से मैं भी सीखी हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं खुद भी ट्राई करूँगी। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, खास होने वाली है। तो चीनी और पानी डाल करके इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर ले और फिर कुछ देर के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे इलायची पाउडर या फिर साबुत इलायची को क्रश करके। तो 4-5 इलायची यहाँ पे आप डाल दें और फिर एक चुटकी यहाँ पे केसर डाल दिया है। केसर डालने से जो बहुत ही अच्छा जो है कलर बहुत ही अच्छा आता है, केसरी कलर आता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसको डाल करके काफ़ी अच्छे से इसको बॉयल करना है और पकने के लिए देना है जब तक इसके चटचटा आपका हाथ जो है 2 फिंगर चटचट ना करने लगे। तो काफ़ी अच्छे से दूसरे साइड में मैंने रख दिया है। सेम दूसरे साइड में हम यहाँ पे बना रहे हैं, हमारा जो कोकोनट मिल्क निकला हुआ है उसी मिल्क का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए। तो कोकोनट मिल्क को हमने डाल दिया एक कढ़ाई में और कढ़ाई में जो है इसको काफ़ी अच्छे से बॉयल करते हुए रहना है। और फिर यहाँ पे हम लगभग 2 चम्मच घी डालेंगे और घी डालते हुए यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से चलाएंगे कुछ देर, लगभग 2 से 3 मिनट तक। जब बहुत ही अच्छे से बॉयल होने लगेगा, खोलने लगेगा, फिर इसमें हम यहाँ पे डालेंगे मैदा और या फिर अभी जो हमने बुरादा इसका नारियल का अलग निकाला हुआ था वो डाल देते हैं। सबसे पहले लगभग थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 चम्मच ही डाले। तो ऑलरेडी हमने नारियल का पानी यूज़ किया है तो बस स्वाद के लिए मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें मैदा लेना है। तो मैदा यहाँ पे 1.5 कप के आसपास आप मैदा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा कोकोनट मिल्क है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो 1.5 कप मैदा इसमें डाल दे क्वांटिटी के हिसाब से और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एक डाले, एक साथ डालिएगा तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लम्स पड़ जाएगा। और फिर कंटिन्यू चलाते रहे इसको डाल करके, कुछ देर में ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो है कढ़ाई में काफ़ी अच्छे से इसको दबाते हुए, प्रेस करते हुए आपको
बढ़िया से चलाते हुए रहना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। लास्ट में यहाँ पे आप चाहे तो 1 से 2 चम्मच और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नारियल जो है अपने अंदर का जो है तेल निकलेगा ही निकलेगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा। तो 1 से 2 चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवर के लिए घी डाल दें और बहुत ही अच्छे से इसको थिक होने तक पकाना है। और जब तक ये थिक हो रहा है तब तक हम दूसरे साइड हमारा चाशनी भी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी ये देखिए बहुत ही अच्छे से कलर इसका देखिए, केसर डालने से बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। और हाथ में थोड़ा सा इसको इस तरह से करके चेक करिए, अभी थोड़ा सा और ये पकेगा, हल्का सा चटचटा हुआ है। तो अच्छे से जब हाथ चिपकने लगे तब तक इसको पकाना है। तो बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो लास्ट में हम लगभग नींबू का 4-5 बूंद इसमें डाल दें, जिससे क्या होगा इसके अंदर का जो भी है मॉइस्चर या फिर नमकीन वो निकल जाएगा साइड में और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दूसरे साइड में हमारा मिल्क पाउडर कोकोनट मिल्क और उसके बाद मैदा का बहुत ही अच्छा बैटर रेडी हो चुका है। इस तरह से डो रेडी हो चुका है सॉरी। और जब तक ये हाथ में ना चिपके तब तक इसको पकाना है। जब हाथ में चिपकना बंद हो जाए तो फिर इसको निकाल करके काफ़ी अच्छे से ठंडा कर ले। और ठंडा करके फिर क्या करें, हाथ की मदद से आप यहाँ पे इस तरह से चाहे तो थोड़ा सा इसको मतलब मसल सकते हैं, मसल करके इसको और भी सॉफ्ट बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मसल चुके हैं। उसके बाद हाथों पे इस तरह से घी लगा ले और घी लगा करके छोटा छोटा इसका बॉल बनाना है। और छोटा छोटा बॉल बना करके इस तरह से हमारे पास साचा है, ये अक्सर ठेकुआ वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो सेम इसी सांचे पे मैं इसको दबा करके थोड़ा सा प्रेस करके बनाने से क्या होता है ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन उभर के आता है। तो ये बन चुका है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन। तो इसी तरीके से हम लगभग सारा बना लेंगे। और आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी प्लेन में या फिर छन्नी वगैरह होता है स्टील का उस पर भी आप कर सकते हैं, जिसे आप पकौड़े वगैरह छानते हैं उसके पीछे भी डिज़ाइन बनी हुई रहती है। तो मैंने ठेकुआ वाले वीडियो में उसमें शेयर किया हुआ है, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारा जो है बना करके रेडी करेंगे। दूसरी साइड हमारा कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसको हमें काफ़ी अच्छे से पकाना है, तलना है। तो तलने के लिए यहाँ पे ज़्यादा तेज़ गैस का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे इसको पकाना है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकेगा और इसके अंदर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। ऑलरेडी ये कच्चा नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको बहुत देर तक पकाया हुआ है। तो बस इसको अच्छे से पलट देते हैं हम। पलटने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छे से पलटेगा। ये कलर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कलर आया हुआ है। तो इतना कलर आने तक ही इसको पकाना है। ये देखिए बस इसको निकाल करके दूसरे साइड में हमारा ऑलरेडी चाशनी बना हुआ है। तो चाशनी में हम डिप कर देते हैं। चाशनी में डाल करके काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर दे और चाशनी में डाल करके इसको छोड़ना है कुछ देर तक, तभी इसके अंदर चाशनी अंदर तक जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारा बैच है वो सभी को रेडी कर लेंगे, तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। कलर बहुत ही सुंदर आ रहा है आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आ गया है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने इसको चाशनी में डाल दिया है। और चाशनी में डाल करके बहुत ही देर तक इसको लगभग आधे पौन घंटे तक आप छोड़ सकते हैं, जब तक इसके अंदर पूरी तरह से चाशनी ना चला जाए। तो बस ये रेडी हो चुका है, इसको आप 1.5 घंटे 2 घंटे जितना मर्जी उतना देर छोड़िए, जितना देर छोड़िएगा इसके अंदर और भी चाशनी जाएगा। और सर्व करने के पहले इस तरह से थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चाशनी डाल दीजिए, बहुत ही लाजवाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, बहुत ही अलग और यूनिक सा रेसिपी है और इसको खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इसके अंदर पूरे अच्छे से रस भरा रहता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ तोड़ के दिखा देती हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि इसके अंदर कितने अंदर तक रस घुसा है। ये देखिए इसको मैंने कुछ देर छोड़ दिया था, इसके अंदर पूरे अच्छे से रस घुस चुका है, बहुत ही रस भड़ा रस भड़ी, यानी कि बंगाली का जो रेसिपी होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, रस भड़ी रस भड़ी। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक थी,
आपको उम्मीद है आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो आज की वीडियो फिर से मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।